बिजासन रोड स्थित अखंड धाम आश्रम पर 52वें अखंड वेदांत संत सम्मेलन के पांचवें दिन सामाजिक सरोकार की भावना को आगे बढ़ाते हुए साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों से बचने के लिए एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने संतों के सानिध्य में मार्गदर्शन दिया। श्री चौबे ने संत सम्मेलन में उपस्थित भक्तों, संतों एवं छात्र छात्राओं को बढ़ते साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। एसपी प्रशांत चौबे ने कहा कि हमारी सतर्कता ही साइबर क्राइम से बचने का एकमात्र उपाय है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मालिकों की आमदनी का जरिया हमारा वह डेटा ही है जो हम किसी ऐप को डाउनलोड करते समय भरते हैं। इस ऐप के कारण ही हमारी सारी व्यक्तिगत जानकारियां, बैंक खाता एवं आधार कार्ड से लेकर अन्य जानकारी भी ठगों के हाथों तक पहुंच जाती है। कई कंपनियां व्यक्तिगत जानकारियों को खरीदती बेचती है। इनसे बचने के लिए सतर्कता ही पहली सीढ़ी है। साइबर क्राइम से बचने के लिए 24 घंटे सतर्कता की जरूरत है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर बढ़ते अपराधों से बचने के लिए जब तक हम व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानते तब तक उन्हें अपने फ्रेंड लिस्ट में नहीं जोड़े और ना ही उनकी फ्रेंड लिस्ट से जुड़े। अखंड वेदांत संत सम्मेलन के अध्यक्ष हरि अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर अखंड धाम आश्रम के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप के सानिध्य में युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी के कर कमलों से एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है, सारा कुछ ओपन है। ऐसे में हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारे अलर्ट होने में काम करती है। ढेर प्रकार के फ्रॉड में ढेर प्रकार के शिकायतें आती हैं और फिर लोग कहते हैं कि पुलिस ने कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन कई बार पुलिस भी विवश होती है क्योंकि फ्रॉड इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुने होंगे बहुत सारे फिशिंग अटैक होते हैं, बहुत सारे एटीएम फ्रॉड होते हैं, बैंक फ्रॉड होते हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया फ्रॉड होते हैं, सोशल मीडिया पे लोग हैक करने का के अपराध होते हैं। और इन अपराधों में पुलिस के पास बहुत ही लिमिटेड टूल्स होते हैं क्योंकि जो भी अपनी मुख्य कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक का है या व्हाट्सएप का है, इंस्टाग्राम का है, सारी कंपनियों के हेडक्वार्टर मेन सर्वर जो होते हैं जहाँ से पूरी चीज ऑपरेट हो रही होती है, वो कहाँ होती है? अमेरिका में होती है, किसी बड़े और दूसरे विकसित देश में होती है। उन देशों के साइबर लॉ जो है उनके हिसाब से हमें जानकारियाँ मिलती है, हमें जानकारी कंपनी से लेना पड़ती है, कंपनी जानकारी देने के लिए बाध्य होती है। अखंड वेदांत संत सम्मेलन में धार्मिक प्रवचन के साथ में सामाजिक मुद्दों को भी समाहित किया गया है, जिसमें सेल्फ डिफेंस के साथ में सफाई कर्मियों का सम्मान है। और आज यहां पर प्रशांत चौबे जी जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने साइबर अपराध कैसे किए जा रहे हैं, उसकी रोकथाम कैसे हो पाएगी, उनको कैसे चिन्हित किया जाए, उसके बारे में विस्तार से युवाओं को और महिलाओं को संबोधित किया यहाँ पर कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, हमारे जो अकाउंट हैक हो जाते हैं उसे कैसे रोका जाए, हमें हमारे क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का यूज़ किस प्रकार करना चाहिए, हमें हमारी निजी जानकारी को विस्तार से नहीं किसी को बताना, ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें जिससे रोज़मर्रा के जीवन में घटनाएं हम आए दिन अखबार में और टीवी पर देखते हैं, तो उसे कैसे रोका जा सकता है, उस पर विस्तार से उन्होंने यहाँ पर अपना उद्बोधन दिया है। सही है, प्रशांत चौबे जी ने साइबर क्राइम के ऊपर बच्चों को और भक्तों को बहुत ही अच्छी सटीक धारा प्रवाह से बताया। और वो एक बहुत विद्वान आदमी है, कवि भी है और उनकी किताबें भी जो है छपी हुई है। और साइबर क्राइम के ऊपर उनका बहुत ही गहरा अध्ययन है, चिंतन है और कैसे उससे बचा जाए युवा पीढ़ी को। आज जो है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में और तो और लोग ठगे जा रहे हैं, 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग, ये एक ऐसा चस्का हो गया है। हम चाहे जिसको दोस्त बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। बैंक अधिकारी क्या, अब यहाँ तक पुलिस, उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी भी इसमें ठगे जा रहे हैं, बैंक कर्मचारी भी, पढ़े लिखे सभ्य घराने के लोग भी इससे ठगे जा रहे हैं, बच्चियाँ ठगी जा रही है और कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ हो रहा है। और अपने मतलब बहुत से लोग तो ठगी के बाद अपने आप को इसलिए कि बदनामी के डर से ना तो रिपोर्ट करते हैं और ना लोगों को किसी को बताते हैं, पर वो कहीं ना कहीं जो है हर आदमी इससे परेशान है, ग्रसित है। और उसमें कहीं ना कहीं ये हमारा अपना भी दोष है कि हम लोग जो है भटक गए हैं, युवा पीढ़ी भटक गई है, हम खुद मोबाइल से चिपके रहते हैं। और उन्होंने जैसा बताया कि हम जो जानकारी देते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, वो जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो सारा डाटा हमारा उनके पास, वो एक एग्रीमेंट रहता है उसके अंदर वो सेव कर लेते हैं। ये जो अखंड आश्रम है ये इंदौर का सबसे पुराना प्राचीन आश्रम है और यह आश्रम जो है हमारे गुरुजी अखंडानंद जी के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है और उनका ही आशीर्वाद ये पश्चिम क्षेत्र में हुआ है कि बिजासन के अलावा जितने भी धाम बने हैं
वो सब अखंड धाम के बाद में बने हैं। ये पूरा हमारा पश्चिम क्षेत्र बड़ा गणपति से लेके और गोमट गिरी तक ये सब धार्मिक हो गया है। तो ये सब कृपा हमारे गुरु महाराज की रही है। आज इंदौर इतना विशाल और पूरा मतलब मिनी इंडिया हो गया है। ये सब पुराने गुरुओं का, ये जो हमारे गुरु महाराज की ये जो पुण्य धरती है उसका ये आशीर्वाद हम लोगों को शिष्यों को मिला है। यहाँ जितने भी शिष्य हैं सब आज फल फूल रहे हैं और पूरा हमारा इस पश्चिम क्षेत्र फल फूल रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और जो ये आयोजन है, ये 52वां आयोजन है और हमारे पूरे जो कमेटी के लोग हैं जिसमें हरि भैया का मुख्य रोल रहता है, ये बहुत ही दौड़ भाग करके हर साल जो ये भी इनका पूरा परिवार, इनकी माता जी वगैरह सब बड़े गुरु महाराज के शिष्य रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि 52वां संत सम्मेलन अपने आप में उस ऊंचाई पे पहुंचा कि जिसमें हर दिन हमने धार्मिक आयोजन के साथ में सामाजिक जो ज्वलंत समस्या है उसके ऊपर भी अलग अलग दिन पे अलग अलग कार्यक्रम कराए। इसी श्रृंखला के अंदर आज यहाँ पे पुलिस अधिकारी महोदय ने तो क्राइम ब्रांच जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है जिसका कि मोबाइल वगैरह का दुरुपयोग हो रहा है बहुत, उसके ऊपर उन्होंने हमें विस्तृत जानकारी दी। और हमारा ये लक्ष्य था कि ये हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। इस सम्मेलन के अंदर हमने ये सब लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया और ये संत सम्मेलन जो वास्तव में धार्मिक तो था ही, धार्मिक आयोजन था, गुरुदेव की बरसी के ऊपर हम ये करते वो, उसके साथ साथ में हमने ये 6 ही दिन तक अलग अलग कार्यक्रम करे जो बहुत पूर्ण रूप से बहुत सफल हुए। इसके अंदर मीडिया के भी हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला और आम लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे कार्यकर्ताओं का भी सहयोग। अखंड वेदांत संत सम्मेलन प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान अखंडानंद जी महाराज के पावन स्मृति में 52 साल से निरंतर भारत के अंदर इंदौर नगरी, अहिल्या की नगरी में निरंतर चलता आ रहा है और इसमें कोने कोने से देश के संत आते हैं और हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, धार्मिक परंपरा है, उनको हमारे संत लोग आशीर्वाद स्वरूप जीवन का मार्गदर्शन बताते हैं और इसीलिए ये वेदांत सम्मेलन रखा गया है। वेदांत सम्मेलन का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। और बड़े महाराज जी हमेशा जब भी अपने प्रवचन करते थे तो बोलते थे जानो जानो, ऊपर वाले को जानो और अपने आप को जानो। इसी प्रकार ये वेदांत सम्मेलन का उद्देश्य है और निरंतर 52 वर्षों से इसी अखंड धाम के पावन भूमि पर, जो कि हमारे साकला परिवार ने इस भूमि को प्रदान की है, आज भी नहीं है लेकिन उनकी आत्मा ये बहुत ऊपर से दुआ दे रही होगी, आशीर्वाद दे रही होगी कि मेरी भूमि पर ऐसे ऐसे सर्वभूमि संत आ रहे हैं जो कि अपना प्रवचन कर रहे हैं और मार्गदर्शन जो ये मेला मंगल है, गो सेवा मंगल है, अपने श्रद्धा सुमन सेवा समिति की महिलाएँ निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है निस्वार्थ भाव से। इनके लिए भी मैं प्रचार मंत्री के नाते सबको बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें।